सब्सक्राइब द चैनल ब्लॉगर भाई, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ ज्वाला की नगरी में 13 भाजपा संगठन जिला की बैचलर बैठक का शुभ आरंभ श्रेष्ठ चौधरी प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्री, देहरा जिला प्रभारी संजीव शर्मा, जिला अध्यक्ष देहरा, महामंत्री एडवोकेट अभिषेक पादा ने दीप प्रज्वलित करके किया। देहरा संगठनात्मक जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बैचलर हाईटेक बैठक की उपस्थिति में समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया। वहीं नई तकनीक से संगठन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा के प्रयासों को की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली बार कोविड-19 के चलते बैचलर बैठक के माध्यम से संगठन का कार्य एकजुट के साथ करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देहरा संगठनात्मक जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र जसवा, प्रयागपुर, देहरा ज्वालामुखी में बूथ स्तर पर प्रयास का कार्य किया जा रहा है, जिससे संगठन का और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। सुरेश कश्यप जी का जैसा आदेश है उस अनुसार हम पन्ना प्रमुखों तक भी पहुंचने का अपना कार्य जो है वो भली भांति अपनी समय अवधि में और समय अवधि से भी एडवांस में हम लोग उसको पूरा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इकाई की प्रदेश कार्य समिति की पहली सेमी वर्चुअल बैठक आयोजित हो रही है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सुरेश कश्यप जी कर रहे हैं। बैठक में विशेष तौर पर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, आदरणीय शांता कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान अनिल जैन जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी समेत 17 संगठनात्मक जिलों के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं और जो अपेक्षित लोग हैं, प्रदेश पदाधिकारीगण हैं, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। और ये बैठक जो है प्रत्येक जिला मुख्यालय में, जो संगठनात्मक हमारे जिला हैं उनके मुख्यालयों में हो रही है। और इस बैठक में विशेष तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति की समीक्षा होना तय है, वहीं इसके साथ साथ केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने जो अपने पिछले दिनों में अपनी उपलब्धियां रही हैं, कार्य पद्धति रही है, उसका इस कार्य समिति के माध्यम से प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया जा रहा है। अभी ये बैठक जारी है और शाम 5:30-6 बजे तक ये बैठक चलेगी।